ऐसे नहीं अध्यापक जी, वो देखिए ऐसे सलीके से इस्तेमाल कीजिए ना, इस कुदाल की धार चली जाए। साहब आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाँ, वो क्यों हो गए तुम? ये सोचकर कि इनके घर बचाने के लिए गांव वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहकर भी आप सबका ये एहसान कभी कभी उतार नहीं पाऊंगा। भीवा, ये एहसान नहीं है, मदद है। इंसानियत के नाते इसे अपने दिल में जिंदा रखना और जब भी कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करना। ला तो मुझे। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। अल्बर्ट से खाकर मैं रोज का काम। नहीं बेटी, कुछ मत कहना अपने पति से। सभी अपने अनुभवों से सीखे, इसी में सबकी भलाई है। राम जी सबको सही वक्त पर सही अनुभूति देते हैं, लेकिन उससे पहले जो सफर राम जी ने तय किया है वो हम सबको पूरा करना पड़ता है। हम सब अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं, अब किसे क्या समझना है। अल्लाह मालिक। चलो बच्चों, जरा चौक किया। आइए आइए आइए। रुको, ये किधर लेकर के आए मुझे? कुलकर्णी सरकार का वाड़ा तो यहाँ नहीं है। लेकिन कुलकर्णी सरकार तो यहाँ है। हरिओम।
मुझे तुमसे जो बात करनी है वो वाड़े में नहीं हो सकती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, और जहाँ हाथ मिलाने की बात हो वहाँ आँख ना कान का क्या काम। पहली मत बुझाइए सरकार, ये बताइए आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? हाँ हाँ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब कुछ बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है यहाँ। वो अयोध्या कांड के बारे में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे, तुम्हारी नौकरी, वो इमारत, वो पैसे, सब कुछ। घबराओ मत। हाँ। मैंने बताया ना, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है, लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी भी चांदी है और मेरी भी। हरिओम। मैं जानता हूं तुम नए अवसर के तलाश में हो, नए सिरे से अपना जीवन आरंभ करना चाहते हो तुम। वो सब सड़क बनाने से थोड़े ही ना होगा, हा? और यदि तुम सफल हो भी गए तो ये सब कुछ मिलने से रहा। उस फकीर की शाबाशी बटोर के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, ना नौकरी मिलेगी ना पैसे मिलेंगे, और असफल हुए तो अंग्रेज सरकार से शत्रुता मोल लोगे तुम। शत्रुता से अच्छी है मित्रता, मित्र बन जाओ हमारे। और वो नया अवसर, दूसरा अवसर मैं तुम्हें दिए देता हूं। ये लो दूसरा अवसर, ये इतने पैसे हैं जितने तू 4 साल सरकारी नौकरी करके भी अर्जित नहीं कर पाता। ये पैसे लो और शिरडी से आज ही रात निकल जाओ। दूसरा अच्छा अवसर ढूंढना, नया कारोबार शुरू करना, हाँ? और इतना ही नहीं, और भी करेंगे हम तुम्हारे लिए। काले सूची में तुम्हारा नाम लिखा गया है ना, काले सूची में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.